हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस वीडियो में टेस्ट नंबर 9 करेंगे ऑल यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए। हम लोग आप सभी व्यूवर्स से निवेदन है कि अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। जितने लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे सीरियसली, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी जल्दी टेस्ट लेकर के आने के लिए। 30 तारीख और 1 अक्टूबर को एग्जाम है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन सवालों का लेवल कैसा है और आपके कितने सही हो रहे हैं इनमें से। अगर हमारे यूट्यूब चैनल से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है हमने, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करें आगे चल करके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहले जीएस सेक्शन करेंगे। हमेशा की तरह परंपरागत रूप से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा कथन ये कहता है कि रोपण स्थल के उत्खननकर्ता यानी कि आपके एक्सकवेटर जो हैं उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने उत्खनन इसका किया है 1953-1955 के बीच। क्या यह स्थल सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए हुए हैं। ये आपका सतलज नदी के किनारे है और आपका ये इसका उत्खनन किया है श्री यज्ञदत्त शर्मा ने। और एक और फीचर जो कभी कभी इसके बारे में पूछा गया है कि इधर से क्या हुआ है कि इधर से कुछ ग्रेव्स मिली हैं जिसमें मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धार्मिक जीवन पर विचार करना है। क्या इस समय शिव की पूजा की जाती थी या लिंग की पूजा प्रचलित थी या लोकतंत्र मंत्र एवं भूत पेत्र में विश्वास करते थे? तो यहाँ पर आपका डी चला जाएगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। मातृ देवी की पूजा करते थे, साथ ही साथ शिव की भी पूजा करते थे, पशुपति के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल पशुपति यानी कि शिव, लिंग की पूजा करते थे, लिंगम मिले हैं वहाँ से, योनि के भी आपके साक्ष मिले हैं, लोग तंत्र मंत्र एवं भूत प्रेत में विश्वास करते थे, बात बिल्कुल सही है, यज्ञ कुंड भी मिले हैं आपके कालीबंगा वगैरह से, लेकिन टेम्पल्स यहाँ पर नहीं मिले हैं। जो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली है वो टेम्पल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मंदिरों के कोई ऐसे साक्ष्य वहाँ से नहीं मिले, यानी कि लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जोधा भाई का महल किस स्थान पर स्थित है? जोधा भाई का महल है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में। अकबर की कैपिटल जो है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर ये है। फर्स्ट कैपिटल जो अकबर की है वो आगरा है, सेकेंड कैपिटल फतेहपुर सीकरी थी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करिए। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह ने राणा प्रताप को परास्त किया, क्या ये सही है? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। एक बार फिर से आपका यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने बनवाया था और हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह ने राणा प्रताप को पराजित किया। तो यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? इसको टिनेंसी एक्ट बोलेंगे। तो ये आया था करीब 1822 ईस्वी में, उस समय शासन था लॉर्ड हेस्टिंग का। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा पर सैंडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये हमको बताना है। तो शिक्षा पर सैंडलर आयोग आपका आया था 1917 में, और इस समय भारत के वायसराय कौन थे ये अगर पूछ ले तो यहाँ पर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय तक। अगला है, सुमेलित करिए यहाँ पर रिफॉर्मर और जिसने ये आपके रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस यानी कि समाज सुधारक संस्थाएं बनवाई, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। जैसे आर्य समाज तो ये है दयानंद सरस्वती जी का, फिर आपका ब्रह्म समाज ये राजा राम मोहन रॉय का है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये किसकी है, मैडम ब्लavatsky की, और यंग बंगाल आंदोलन ये दयानंद सॉरी ये डिरोजियो का है। ठीक है, डिरोजियो का, तो इस तरीके से आप मैच करेंगे। यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर आपका 7 में चला जाएगा, डी वाला ऑप्शन नंबर डी। अब निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको पेश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली घटना हुई थी लखनऊ पैक्ट इनमें से। ठीक है, सबसे जल्दी 1916 में होम रूल लीग आई थी आपकी 1916 में 28 अप्रैल को, लेकिन पहले मतलब लखनऊ पैक्ट हुआ था, बाद में होम रूल लीग आई थी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 1 आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अगस्त डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 का हुआ था, तो इसको रखेंगे फिर थर्ड पर। ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन यहाँ पर रखेंगे तीसरा, ये थर्ड आ जाएगा यहाँ पर, और फिर आखिरी में जो आपको बचेगा रोलेट एक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आया था 1919 में 6 अप्रैल को, तो 2, 1, 3, 4 ये ऐसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में इस तरह का दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो भूकंपीय तरंग
प्राथमिक तरंगों की गति जो है सबसे कम होती है इसमें बताया है, जबकि ऐसा नहीं है, प्राइमरी लेवल प्राइमरी वेव जो होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और द्वितीय तरंगें यानी कि सेकेंडरी वेव्स होती हैं क्या सॉलिड मीडियम से पास करती हैं, तो ये सही है, तो ओनली टू यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, इनको प्राथमिक और सेकेंडरी को पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं और सेकेंडरी वाली को एस वेव्स भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन प्रोसेस, यानी कि आपका निक्षेपण द्वारा क्या नहीं बनता है इसमें, तो यू शेप्ड वैलीज जो हैं ये डिपोजिशन से नहीं बनती हैं। ठीक है, बाकी आपके ये सब बनते हैं ड्रमलिन, बरखान, इस्कर, लेकिन यू शेप्ड वैलीज जो है डिपोजिशन से नहीं बनती है। इनमें से कौन सा आपका एंटी साइक्लोन का एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये आपका फीचर है एक्सेस प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है, केंद्र पर अधिक दाब, ऑप्शन नंबर ए, ये एग्जाम्पल या फिर इसका फीचर है एंटी साइक्लोन का। अगला है मिस्ट्रल, जो आपकी स्थानीय हवा है, ये आपको कहाँ पर बहती हुई देखने को मिलेगी, ये मिलेगी नॉर्थ इटली में, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्दर्न इटली। अगला है विच क्लाउड हैज़ द हाईएस्ट हाइट, सबसे ऊंची हाइट किस क्लाउड की होती है, तो ये होते हैं आपके पक्षाप बादल यानी कि सिरिस क्लाउड, ऑप्शन नंबर डी। गल्फ ऑफ हर्मूज जो है किसको कनेक्ट करती है बताना है, ठीक है, तो ये कनेक्ट करती है, यहाँ पर स्ट्रेट होगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज जो है किसको कनेक्ट करती है, फारस की खाड़ी को और उम्मान की खाड़ी को, ठीक है, फारस और उम्मान, ऑप्शन नंबर ए, ये हम पहले भी पूछ चुके हैं, एटलीस्ट ये तो आपको याद हो ही गया होगा। अगला है एंजल वाटरफॉल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलते हैं वेनेजुएला में, ठीक है, एंजल वाटरफॉल्स वेनेजुएला में। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कारकस है, कारकस, और इस समय वेनेजुएला मंदी से जूझ रहा है। वॉट इज कॉल्ड द लाइन ड्रॉन बाय द मिक्सिंग इक्वल प्लेसेस इनसाइड द सी, इक्वल प्लेसेस जो होते हैं सी के इनसाइड उनको क्या कहते हैं, उनको आप बोलेंगे आइसोबाथ, ठीक है, आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय से लाई गई मिट्टी के आधार पर निम्न मैदानों को उत्तर से दक्षिण से व्यवस्थित करना है, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल्स ब्रॉट बाय द हिमालयास, इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा भाबर, और फिर आपका आएगा तराई, और फिर आएगा बांगर, और फिर आखिर में आएगा खादर, ठीक है, 3, 2, 1, 4 इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे हम। तो यहाँ पर है आपका सही बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार वाटरफॉल जो है ये कहाँ पर बनता है, धुआंधार जलप्रपात आपका बनता है नर्मदा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट डचिगम नेशनल पार्क सिचुएटेड, डचिगम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट क्या है ये बताना है, तो ये है अमरकंटक, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कैसा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, क्या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ही रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों को, या रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक को भी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर मान्यता देता है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में ये बात कही गई है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको 5 से 11 में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्न में से क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, ठीक है, डीपीएसपी में क्या शामिल है जो फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं है, तो डीपीएसपी में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है, लेकिन ऐसा फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कुटीर उद्योग जो है हर कोई करेगा या फिर उसके लिए कोई भी प्रमोशन मिलेगा। अगला है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है ऑफकोर्स फिर से डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, संबंधित राज्यपाल करते हैं और राज्य करता है, ठीक है, संबंधित राज्यपाल और राज्य, ये तो पता ही होगा आपको, ये सब आता रहता है आपका यूपी की वेबसाइट पे भी आता है, अगर आप कभी गए होंगे तो उसमें लिख करके आता है कि इनका जो है पद ग्रहण यहाँ से इस डेट से शुरू होता है वगैरह वगैरह। अगला है कि भारत में मुद्रा स्फीति कैसे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, ठीक है, थोक मूल्य
थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सिक्योरिटी इफ इट रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी ऑफ, ठीक है, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति तब कहा जाता है यदि वह डैश की देयता प्रदर्शित करता है। तो मूल प्रतिभूति तभी कहा जाएगा उसको जब उसमें भारत सरकार की देयता प्रदर्शित की जाएगी, लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी ऋणों पर जो वर्तमान भुगतान होता है उसको नहीं शामिल करते हैं निजी आय में, ठीक है, करंट पेमेंट्स ऑन फॉरेन लोन्स। अगला है वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेप सीड एंड मस्टर्ड लोकेटेड, रेप सीड और सरसों के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? ये राजस्थान के भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर के केचप में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? टोमेटो केचप में डाला जाता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, जिससे सॉस जो है जल्दी खराब ना हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इम्पैथी, यानी समान समानुभूति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है, और दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति से दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है, ठीक है, इट इज द एम्पैथी टू अंडरस्टैंड द डिजायर्स ऑफ द पर्सन इन अ पर्सन। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहां पर हो जाएगा ओनली सेकेंड। लोगों की बेहद मांग पर इंटरपर्सनल स्किल का क्वेश्चन है, संचार के कारकों में से क्या सम्मिलित है? द फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड वॉट, तो यहां पर आपका आपका स्वरूपता भी होता है, यहां पर निरंतरता भी होता है, फिर आपका यथेष्टता भी होता है, कठोरता नहीं होता है बिल्कुल भी, स्पष्टता होता है। तो कठोरता को छोड़ करके सारे यहां पर फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन के, रिगोरनेस नहीं होगा, बाकी आपके सारे होंगे, ठीक है, 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आपको अपना परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु धन की आवश्यकता है, सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा वो बटुआ मिलता है, आप क्या करेंगे? आप धन को अपने पास रख लेंगे तथा परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे? बिल्कुल कोई ऐसा नहीं करेगा, हम सब ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे या गरीबों में बांट देंगे? एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमको मालिक के ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, ऐसा करना चाहिए, करते बहुत कम लोग हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, अ कलेक्टिव एफर्ट दैट हेल्प्स अ मैनेजर सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज इज कॉल्ड, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, ये चीज क्या कहलाती है? इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ना सिर्फ मैनेजर बल्कि हम सभी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को जनरली ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर नहीं करते तो करना चाहिए कि अल्टरनेटिव सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर ऐसा करें तो ऐसा होगा, ऐसा करें तो ऐसा होगा, अगर ये सोचेंगे तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, ठीक है, यानी कि निगेटिव पॉपुलेशन किसने शो किया है? नागालैंड ने, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब ने जो है पॉजिटिव शो किया है, यानी कि बढ़ी है, लेकिन नागालैंड की यहाँ पर घटी है 10 सालों में। अगला है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है? सो पुडुचेरी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी, ठीक है। इसका कितना पाया गया था? 1037। और फिर अंडमान निकोबार का है 876 और लक्षद्वीप का है आपका 947। सेंसस का डेटा है आपके पास तो ज़रूर उसको पढ़िएगा, याद करिएगा, दोनों ही सेंसस इंडिया और यूपी दोनों का आएगा, ठीक है। अब उनको बताना है 2018 के कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक फल क्षेत्रफल भूमि है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रूट लैंड एरिया किसके पास है? सो फ्रूट लैंड एरिया सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र के पास, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार समस्त बागवानी उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ध्यान रखिएगा हम बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनको बागानी कहते हैं, ठीक है। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, हालांकि अगर प्लांटेशन क्रॉप्स की बात कर ले तो नहीं है, तो है केरल, ठीक है, तो है केरल। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा बाय कन्वर्टिंग इट टू इंफॉर्मेशन, तो ये है आपका प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर।
अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेन फीचर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, पंचम पीढ़ी की विशेषता क्या है? इसका है घर घर उपयोग, ठीक है, डोर टू डोर यूज आपको देखने को मिलेगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑफकोर्स हम सारी एक्टिविटीज मॉनिटर से देखते हैं, चाहे छोटे छोटा आपका लैपटॉप या मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे इसरो वाले जो हो चंद्रयान को देख रहे हो, वो देखते तो मॉनिटर से ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब सीडी रोम का फुल फॉर्म चूज कर लीजिए, इसमें से बहुत आसान है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर कि कंप्यूटर के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं, तीन जो आपके कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट जिनको बोलते हैं, वो है सबसे पहला आपका है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू। ये तीनों हो जाएंगे तो कंप्यूटर चलने लगेगा, बाकी सब एडिशनल है, प्रिंटर लगाओ चाहे ना लगाओ, और बाकी चाहे कुछ करिए चाहे उसमें नहीं। हाल ही में खबरों में रहा रीवा क्या है, ठीक है, यहाँ पर रीवा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये न्यू इंपीरियल एरा है जापान में, ठीक है। हिजरी एरा जो वो था वो 1989 में शुरू हुआ था, ठीक है, रीवा एरा के साथ वो एंड हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, जापान का नया शाही युग है, ठीक है, जापान्स न्यू इंपीरियल एरा। सो पहले हिजरी चलता था वहाँ पर, लेकिन अब चलेगा रीवा। अगला है किस देश ने रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है हमारे एग्जाम में, इंडोनेशिया ने जारी किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने मानव शव से खाद बनाने को मंजूरी दी है, ये कौन जो अमेरिका करेगा, ऑफकोर्स भारत कभी मत चूज करिएगा ऐसे में, ऐसी अनुमति बहुत मुश्किल है मिलना। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, ठीक है, रेफ्यूजी डे। अगला है 14वीं इस्लामिक समिट कहाँ पर हुई है, ये हुई है सऊदी में, सऊदी अरब में। सिम्बेक्स अभी युद्ध अभ्यास हुआ था, नेवल एक्सरसाइज, ये हमने किसके साथ किया है, सिंगापुर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। सिम्बेक्स के अलावा हम आर्मी का एक्सरसाइज करते हैं सिंगापुर के साथ, उसको कहते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो इस साल झांसी में हुआ था, ठीक है, लेटेस्ट। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर्स अवार्ड किसको मिला है, ये केन्या के एक टीचर को मिला है जिनका नाम है पीटर तबीशी, ऑप्शन नंबर ए, पीटर तबीशी जो कि केन्या से हैं। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। समान हिंदी सेक्शन की बात कर लेते हैं, समान हिंदी में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वर्णमाला से कि पाश्विक कौन सा है, तो पाश्विक हमारा हो जाएगा ला, ठीक है, ला पाश्विक है, अगर लुंठित पूछते तो हो जाता रा, ठीक है। सख्यागमन में सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सखी का आगमन होगा यहाँ पर, ठीक है, सखी और आगमन यण संधि इसमें लगेगी। और वाचस्पति का कौन सा समास यहाँ पर बनेगा, ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ, क्रम से नहीं देख रहे हैं वरना फिर मिस हो जाता है कभी मुझसे, तो वाचस्पति में आपका यहाँ पर होगा अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निःकलंक का सही निःकलंक में आपकी सही संधि कौन सी होगी, जब निःकलंक की सही संधि बताना है, ये मतलब गलत लिखा हुआ है, इसको सही से आप कैसे लिखोगे ये बताना है, ये हो जाएगा यहाँ पर निष्कलंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और क्योंकि इसमें विसर्ग संधि लग रही है इसलिए ऐसा ये बनेगा, ठीक है। अगला है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो पथभ्रष्ट में आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा तत्पुरुष है, पथ से भटक गया, ठीक है, यानी कि पथ से अलग हो गया, तो इसमें आपका समास होगा अपादान तत्पुरुष, ठीक है, अपादान तत्पुरुष। विचार में एक प्रत्यय लगाने से आपका कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा वैचारिक, ऑप्शन नंबर डी। लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है ये बताना है, लालटेन आपको पता है ये विदेशज शब्द है, हमारी इंग्लिश का टर्म है, ये हिंदी का है ही नहीं, तो विदेशज या विदेशी शब्द होगा। मीरा जोर से हंसी, ठीक है, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर आपकी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया, ठीक है, कर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब जोर से क्या है, वो क्रिया विशेषण है। अगला है अब पढ़कर क्या होगा, इसमें आपका कौन सी क्रिया लग रही है बताना है, तो यहाँ पर है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य का विलोम क्या होगा ये बताना है, ये हो जाएगा आर्जव, ऑप्शन नंबर बी। अज अजन्मा में कौन सा यहाँ पर आपका अर्थ होगा, अज अजन्मा का मतलब होता है ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर अज भी है अजन्मा भी है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा होगा ये बताना है, सो ये हो जाएगा गौ, ऑप्शन नंबर सी।
जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? सबसे पहले जंगल को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। सो दावा नल यहाँ पर सही होगा, ठीक है? तो दावा नल सही होगा। आपका बड़वानल किसको कहेंगे? बड़वाग्नि या बड़वानल का मतलब हो जाएगा कि समुद्र में लगने वाली अग्नि, और जठराग्नि का मतलब क्या हो जाएगा? पेट में लगने वाली आग, ठीक है? अगला है कि प्रायोगिक का अर्थ क्या होगा? तो जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, ठीक है, जिसका अक्सर प्रयोग किया जाए वही है प्रायोगिक। शोषक का पर्यायवाची सॉरी विपरीतार्थक यानी कि विलोम बताना है, तो शोषक का विलोम हो जाएगा। शोषक का मतलब क्या होता है? शोषण, शोषक का मतलब होता है चूसना, ठीक है, आपका जो है जो ले लेना आपसे। लेकिन आपका देने का मतलब क्या होता है? पोषण करना, पोषक, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है, यहाँ पर अवन्नति लिखा हुआ है जो कि इस तरीके से लिखना चाहिए, अवन्नति, तो इस तरीके से होगा। श्रृंगार यहाँ पर सही लिखा हुआ है, मुश्किल अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मुश्किल इस तरीके से लिखते हैं, और मातृभूमि को इस तरीके से लिखते हैं, मातृभूमि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 18वां नंबर क्वेश्चन में। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, ये गलत है, इसमें कठिन होगा। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, बाण ये भी गलत है यहाँ पर, बाण यहाँ पर अस्त्र है, बंदूक शस्त्र यहाँ पर होना चाहिए। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये यहाँ पर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर घोड़ा दौड़ क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए घुड़दौड़, ठीक है, आज घुड़दौड़ भी होगी। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन नंबर बी। और साहित्य से एक क्वेश्चन है, एक ही आएगा मेरे हिसाब से साहित्य से, वो भी हमने करवा दिया है, आई होप वहीं से आ जाए। जूही की कली कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपको 21 से 25 तक ये देखना है, गद्यांश। और गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि छोटा गद्यांश हो, तो पहले हमको क्वेश्चन देखना चाहिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहला कि उन उद्योगों को लघु उद्योग क्यों कहते हैं, ठीक है, उद्योगों को लघु उद्योग क्यों कहते हैं ये देखना है। मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? मशीनीकरण का अर्थ जो पैराग्राफ में निकल करके आ रहा है उसको ढूंढना है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या होता है ये ढूंढना है, और समृद्ध शब्द का भाव क्या है ये ढूंढना है, और आखिरी क्वेश्चन जो हमको ढूंढना है वो है कि लघु उद्योगों सॉरी हाँ लघु उद्योगों को प्राश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। सो पैराग्राफ रीड करना शुरू करते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी पर अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, और फिर उनसे सुनिश्चित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार प्रकार तथा साधनों की लघुता एवं अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं, और अपनी सीमित साधनों का उपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसको सही करिएगा, स्पेलिंग और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी उनका उनकी ये स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्राश्रय देने से लोग स्वावलंबी होंगे, ठीक है। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे, और इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो होगी, लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल जाएगा। तो 21वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं उन्हीं को लघु उद्योग कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो इसका यही मतलब है कि मशीनों का अधिक प्रयोग करना, ठीक है, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। और आगे है कि गद्यांश के अनुसार प्राश्रय शब्द का भाव क्या समझ में आ रहा है आपको? तो प्राश्रय का मतलब है यहाँ पर संरक्षण देना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समृद्ध शब्द से भाव आपको क्या पता चल रहा है? तो समृद्ध शब्द से भाव तो चल रहा है धनी होने का। वहाँ पर आपने देखा धन कमाने की बात कही जा रही है कि लोग रोजगार शुरू कर सकते हैं और कम पैसा लगा करके समृद्ध हो सकते हैं। लघु उद्योगों को प्राश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना उनकी धारणा थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मशीनीकरण का विरोध, ऐसी कोई नई बात बताई गई है
किसानों को कटाई बुआई से फुर्सत मिल सके ऐसा भी नहीं, समय का सदुपयोग ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मोस्ट अप्रिएट है। अब आते हैं साइंस के सेक्शन पर। साइंस के सेक्शन से शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बॉल बियरिंग वर्क इन द व्हील इज, कहने का मतलब ये है कि पहियों में बॉल बियरिंग का क्या काम होता है। तो ये मान लीजिए दो पहिए हैं, अब ये रहा इनके बीच का एक्सल। अब यहाँ पे बॉल बियरिंग इसलिए लगी जाती है क्योंकि जो फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बॉल बियरिंग का यूज़ होता है, जिससे कि फोर्स आगे ट्रांसफ़र हो जाए और गाड़ी आपके आगे बढ़ने लगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू रोलिंग फ्रिक्शन, ट्रांसफॉर्म काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू सिलेंडर फ्रिक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा। ऑप्शन बी, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फायर। जब भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है या फिर ट्रांसफार्मर या फिर किसी सब स्टेशन में आग लगती है, तो सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि वहाँ कोई भी पानी मत डालिएगा। ऐसी सलाह क्यों क्यों दी जाती है आखिर? क्योंकि जैसे ही कोई पानी डालेगा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उसको, और ये शॉक कभी कभी आपकी जान भी ले सकता है। देयर कैन बी इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब जीवन को खतरा हो सकता है बिजली के कारण। ऑप्शन ए, विच इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर आप देखें तो दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें से कहीं कहीं पर हैवी वाटर यूज़ होता है, ड्यूटीरियम की ऑक्साइड D2O, कभी कभी कैडमियम की रॉड भी यूज़ होता है। NCERT के अकॉर्डिंग कैडमियम की रॉड यूज़ करते हैं। कभी कभी डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ किया जाता है, विकिपीडिया में लिखा है। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे? लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऑप्शन डी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट। जब भी पानी में डिटर्जेंट ऐड किया जाता है, जैसे सर्फ एक्सल, घड़ी पाउडर, ये सब जब आप पानी में डालते हैं, तो उसकी सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो बढ़ती है, क्या वो घटती है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ज़ीरो हो जाती है? तो ये घट जाती है। जैसे ही कोई उस पर एक्सटर्नल एजेंट डालेंगे पानी पे, तो उसकी सरफेस टेंशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज कॉल्ड विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एट द बिगनिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग कंप्यूटर से जो भी डिजिटल सिग्नल 0-1 की फॉर्म में आते थे उनको हम एनालॉग में, मतलब साइन वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, और इसी वेव को आगे भेज देते थे फर्दर मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के लिए। तो मैंने क्या बोला अभी? मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, ये करता कौन है? तो ये तो मॉडेम करता है। ऑप्शन बी, पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन थी बहुत बढ़िया। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी क्या है फिर? नई टेक्नोलॉजी जो आपकी है वो है ऑप्टिकल फाइबर, और आजकल ऑप्टिकल फाइबर तो समुद्र के अंदर भी उतारे जा रहे हैं। क्या आप उस देश का नाम कमेंट करके बता सकते हैं जिसने ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले समुद्र के अंदर उतारा था? द प्लेयर रन्स बिफोर द लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप मारने से पहले जितनी भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है उनमें रिटर्न क्लियर करने के बाद लॉन्ग जंप रिक्वायर्ड होता है। जिनका ये एक्सपीरियंस होगा उनके लिए क्वेश्चन और भी आसान है। टू टेक द एडवांटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होता है? तो उनके शरीर को एक प्रकार की एनर्जी मिलती है या फिर एक प्रकार के मोशन में आ जाता है उनका शरीर, और उनका जो शरीर है वो जड़त्व का पालन करने लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है। इसी बात का एडवांटेज लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कोई फोर्स उस पर बाहर से नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ द साउंड बिकम्स हाई इन, इन चारों ऑप्शन में से उसको सिलेक्ट करना है आपको जहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड मतलब वायु की गति सर्वाधिक होती है। तो वायु की गति का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ मैटर के स्टेट के अकॉर्डिंग। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, फिर लिक्विड और उसके बाद गैसेस। जिनको ये ऑर्डर पता है वो लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्टील और वुड। अब इनमें से किसको सिलेक्ट करें? तो जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है प्लस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी साउंड
मतलब साउंड की स्पीड उनमें सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्टील, ऑप्शन सी। विच रीजन हैज़ द मोस्ट वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़? यहाँ पे चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो एटमॉस्फियर की लेयर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे एटमॉस्फियर की चार लेयर हैं, आपका आंसर वो होगा जहाँ पे वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे मौसम चेंज होते हैं, बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, गर्मी पड़ती है और ठंड पड़ती है। ये सब कहाँ पे होता है? तो ये सब होता है ट्रोपोस्फियर में। और हम लोग कहाँ पे रहते हैं, लाइफ कहाँ पे पनपती है? तो ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर की लेंथ कितनी है? समुद्र तल से लेकर ऊपर की तरफ 10 से 15 किलोमीटर तक। सबकी लेंथ जो जो जिनको आता हो वो कमेंट में बता सकते हैं कि आयनोस्फीयर का क्या हिसाब किताब होता है। स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में एक बात बता दूं कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर क्यों पाई जाती है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस का रिएक्शन होता है आपकी ऑक्सीजन एटम्स के साथ, इनफैक्ट मॉलिक्यूल के साथ, तो O3 मॉलिक्यूल बनता है, इसको इसी को ओजोन बोलते हैं। वैसे इसका आंसर ट्रोपोस्फियर है, ऑप्शन बी। यहाँ एक और ट्रोपोस्फियर है लेकिन इसको ट्रोपोपॉज होना चाहिए था। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है क्षोभ सीमा, मतलब ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फियर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? तो मोनाजाइट की जो बालू होती है, सैंड होती है, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? क्या वो पोटेशियम है, यूरेनियम है, सोडियम है या फिर थोरियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम के बारे में एक चीज़ और फेमस है कि इंडिया में जितने भी 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वहाँ पे थोरियम को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम की कमी है। हम लोग यूरेनियम कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 92। और एक्चुअली ये यूरेनियम ना होकर इसका आइसोटोप होता है 92U235। वेयर इज द न्यूक्लियर पाइल यूज्ड? न्यूक्लियर पाइल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए करते हैं, इन द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। उसके बाद 11 नंबर बात करते हैं, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो जब भी बम को फोड़ा जाता है तो आप क्या चाहते हैं, कि आपका रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में हो या फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए? जाहिर सी बात है, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर पाएगा ना। तो कंट्रोल्ड वाली दोनों चीज़ें काट दीजिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर एग्जाम में दिया हो हाइड्रोजन बम के बारे में, तो रिएक्शन का नाम होता है फ्यूज़न, और इसमें दो आइसोटोप यूज़ होते हैं हाइड्रोजन के, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। 1H2, 1H3, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न होगा इसमें, ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं डिटर्जेंट यूज टू क्लीन क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। इनमें आपको बताना है कि डिटर्जेंट जो कि कपड़े धोने और बर्तन धोने के काम में आते हैं, कौन से टाइप का आयन उसमें होता है? तो उसमें सल्फोनेट आयन होता है, SO4 2-, ऑप्शन सी। बाकी नाइट्रेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, लेकिन बिस्मथ एक आयन नहीं है, वो एक एलिमेंट है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ? तो क्यूरी किसकी यूनिट होती है? रेडियो एक्टिविटी की, ऑप्शन नंबर ए। केमिकली व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम बताना है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बात करते हैं 15 नंबर, विद हुम कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज मिक्सड फॉर मेकिंग सोप। कॉस्टिक सोडा में ऐसा क्या मिला दें कि हमें साबुन प्राप्त हो जाए? तो हमें फैट मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। हु डिस्कवर्ड सीमेंट? तो डिस्कवरर्स अक्सर पूछे जाते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबके डिस्कवरर्स आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो सीमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो इनकी खोज की थी जोसेफ एस्पेडिन ने, ऑप्शन नंबर सी। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई आयरन डेफिशिएंसी? तो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हेमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और उसके कारण एनीमिया हमें हमको हो जाता है, रक्त की कमी, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल? मतलब बच्चे देने वाले जानवरों में सबसे बड़ा कौन है? तो ज़्यादातर लोग या तो डायनासोर को टिक करके आएंगे या तो हाथी को, लेकिन डायनासोर अभी हमारे बीच है नहीं और हाथी इनमें से सबसे बड़ा है नहीं। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? वेल, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि वो समुद्र में रहते हैं, लेकिन अगर आप
जस्ट इमेजिन कर लें कि उनको बाहर निकाल दिया गया, तो एक हाथी को खड़ा कर लीजिए और एक वेल को खड़ा कर लीजिए, आप पाएंगे कि वेल ज़्यादा बड़ी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे रक्त के जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देयर ब्लड रिमेन्स कोल्ड ऑल द टाइम, क्या उनको कोल्ड ब्लड एनिमल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका रक्त हर समय ठंडा बना रहता है? तो इसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एटमोसफियर, परफेक्ट रीज़न है। एक्चुअली उनको कोल्ड ब्लड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने ब्लड का या फिर कह लीजिए अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो बाहरी वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। ऑप्शन बी। द DNA फिंगरप्रिंट इज यूज टू आइडेंटिफाई होम, DNA फिंगरप्रिंट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बेसिकली किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है बताइए, क्या वो पेरेंट्स को पता लगाने के लिए, रेपिस ढूंढने के लिए या चोर ढूंढने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी कामों को करने के लिए। साल 2007 में अगर आपको याद हो तो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान के तत्कालीन कोच बॉब वुलमर का देहांत हो गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर शक किया जा रहा था और उनका सभी का DNA टेस्ट हुआ था, यानी कि उन सभी के फिंगरप्रिंट लिए गए थे, तो आप वहां से भी अंदाज़ा लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर बात करते हैं, व्हाट इज़ द ट्रूथ रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। एग फर्टिलाइजेशन अकर इन दी वॉम्ब, वॉम्ब में ही होना होता तो टेस्ट ट्यूब का यूज़ क्या होता, ये तो बिल्कुल गलत है। द डिफेक्ट डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब, तो वहाँ पर डिफेक्ट डेवलप नहीं करना, उसको हटाना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का पर्पस क्या होता है कि संतानहीन दंपत्तियों को संतान सुख देना, यहाँ तो ये लोग डिफेक्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। द ब्रूस इज ट्रांसफर टू द यूट्रस आफ्टर 2 months, तो ये भी गलत है। जो यहाँ पे मेन रीज़न है वो है ऑप्शन डी, एग फर्टिलाइजेशन हमेशा मदर की बॉडी के बाहर होता है क्योंकि अंदर वो लोग फर्टिलाइज करवा ही नहीं पाते, उनके प्रॉब्लम होती है। विच इज़ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे आपको वो बताना है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किए निम्नलिखित में से ऐसे कौन हैं जो कि सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ कर ले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अगर ना दिया हो तो ग्रीन प्लांट जरूर से दिया होगा, ये अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू खुद ही बना लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ऑप्शन डी। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय रिंगवर्म, तो जब हमें दाद हो जाता है तो वो किस कारण होता है, तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी। कई लोग तो इस बारे में जानते भी होंगे, कहते होंगे कि हमें फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। व्हाट कैन बी सीन थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ नाम के लिए है, इस बात को बिल्कुल आप ना गलत फहमी मिलें कि उससे इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास इतना कम होता है कि उसके दिखने का तो सवाल ही नहीं है, तो फिर क्या दिखेगा आपको? आपको दुर्लभ बैक्टीरिया और वायरस दिखेंगे। ऑप्शन बी। बाकी जो बॉडी के इनर पार्ट्स होते हैं वो तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी दिख जाएंगे, और वैसे उनको माइक्रोस्कोप से देखा भी नहीं जाता है, उनको एंडोस्कोप से देखा जाता है, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी। हु डिस्कवर्ड कॉलेरास जर्म, हैजा जिसके कारण होता है, उन कीटाणुओं की खोज किसने की थी, तो इनके खोज करता है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे आपको ये पता चलता है कि जितनी भी मेन मेन चीज़ें हैं साइंस में जो हो रखी हैं उनके खोजकर्ताओं के बारे में कम से कम रीडिंग ज़रूर आप लगा लें। मैथ्स के सेक्शन से बात करना शुरू करेंगे हम लोग। 26 नंबर सवाल हमारा इस सेक्शन में पहला होगा। सेठ एंड गुरु ईच हैव अ कलेक्शन ऑफ बॉल, दो व्यक्ति हैं सेठ और गुरु और उनके पास कुछ गेंदे हैं। सेठ टेल्स द गुरु दैट इफ ही गिव्स 4 ऑफ हिज बॉल टू हिम, और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं। तो जब भी कोई बंदा किसी से कुछ ना कुछ कहे तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। ऑप्शन ए के हिसाब से सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, हाउ मैनी बॉल्स सेठ हैव, तो सेठ के पास कितनी गेंदे हैं बताना है। तो ऑप्शन ए के हिसाब से सेठ के पास कितनी है, 20 हैं। तो ये हैं सेठ और ये हैं गुरु। अगर सेठ के पास 20 हैं तो पहला स्टेटमेंट देखिए, सेठ कहते हैं गुरु से कि अगर गुरु जो है वो 4 बॉल सेठ को दे दें, तो 4 बॉल जब गुरु इनको यहाँ पे दे देंगे तो 20 4 24 गेंदे हो जाएंगी। उस सिचुएशन में होगा क्या वो देखिए,
देन द नंबर ऑफ बॉल्स विल बी इक्वल टू हिम। तो सेठ के पास अब उतनी ही गेंदें हो चुकी हैं जितनी गुरु के पास हैं, तो उनके पास भी 24 हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो 24 कब हैं गुरु के पास, 24 कब हैं बताइए जल्दी से। गुरु के पास 24 तब हैं जब वो चार अपनी दे चुके हैं, तो पहले तो जाहिर सी बात है पक्का 28 रही होंगी, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। अब अगली सिचुएशन, इफ़ द गुरु टेक्स फोर बॉल्स फ्रॉम हिम। अब की बार सिचुएशन चेंज करते हैं, गुरु को सेठ से चार बॉल लेके दे देते हैं, तो सेठ के पास 20 हैं तो अभी 16 हो जाएंगी। उस सिचुएशन में होगा क्या, गुरु विल हैव डबल बॉल्स, तो क्या गुरु के पास 32 गेंदें होंगी, 28 पहले से थी, चार यहाँ से मिल गई, तो 32 जाहिर सी बातें होंगी, तो 16 का डबल 32 भी होता है, कंडीशन सबकी सब सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब हमने सही ऑप्शन उठाया है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। आउट ऑफ द टोटल 38 गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में 38 लड़कियाँ हैं, छात्राएँ हैं, 3 वर एबसेंट, तो 3 स्कूल नहीं आई, बाकी की 35 आई, ये मतलब है कहने का। 20% ऑफ द रिमेनिंग डिड नॉट डू होमवर्क, ये जो 35 हैं इनके 20% लोगों ने इनमें से होमवर्क नहीं किया, तो अगर आप इसका 10% लेंगे तो एक के बाद पॉइंट यानी 3.5 हो जाएगा, 20% मतलब डबल, 3.5 का डबल 7, तो 7 लोगों ने होमवर्क नहीं किया, तो इसका मतलब 28 लोगों ने किया, और वही आपसे पूछा भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो गया। द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1800 इज डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, तो 3 लोगों के बीच में 1800 रुपये का विभाजन होना है, किस तरीके से होना है वो देखिए। दैट 4 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, तो 4A इज इक्वल टू 6 टाइम्स शेयर ऑफ बी, तो 4A इज इक्वल टू 6B विच इज इक्वल टू, अब ये भी चीज़ किसके बराबर है, 3 टाइम्स द शेयर ऑफ सी, तो 3C के बराबर है। अब आप सिंपल रेशियो निकाल लीजिए कि किस रेशियो में डिवीज़न हुआ, इसके बाद जो भी आपसे पूछा हो आप बता ले जाएंगे, सिंपल सा रेशियो कैसे निकालें। तो यहाँ पे वेरिएबल को ऊपर रखिए, कोफिशेंट को नीचे ले आइए, बी बाय 6 इज इक्वल टू सी बाय 3। अब 4, 6 और 3 इनका एलसीएम क्या होता है, 12, तो तीनों तरफ 12 से गुणा करा लीजिए, इंटू 12 इंटू 12, 3 4 जा 6 2 जा 4 3 जा, तो सिंपल सा रेशियो कितना आ गया, 3:2:4। इसका मतलब ये है कि अगर 3, 4, 7, 2, 9 कुल मिला के 9 रुपये का डिवीज़न होना होता तो 3 रुपये ए को मिलते, बी को 2 रुपये मिलते और सी को 4 रुपये मिलते, यही तो मतलब हुआ। लेकिन सवाल के हिसाब से 9 रुपये ना बंट के 1800 रुपये बटने थे, 9 2s और 2 0, एक यूनिट की वैल्यू 200 हो गई, जो भी पूछा है उसका 200 से गुना करके आप बताइए। ए पार्ट ऑफ, ए का पार्ट बताना है, यानी कि 3 का मतलब बताना है क्या होगा, 200 3 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, लिख देता हूँ 3√5/2√5-0.48। तो रैशनलाइज करने मत जाइए, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, 3 × 2.24 − 2 × 2.24 − 0.48। अगर ये 224 होता तो 6 × 24 = 72, तो 672 होता, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 6.72। इसी तरीके से ये 448 होता लेकिन 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 448 होता, 4.48 − 0.8 यानी 4। तो फाइनल आंसर क्या निकालना है, 6.72/4, पॉइंट हटाएंगे 100 को नीचे लाएंगे, 4 16 टाइम्स में 64 कट गया, 4 8 32, 168/100 यानी 1.68, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो गया। 30 नंबर बात करते हैं, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 65, तो एक बात बताइए सम कितना होगा, 65 का 5 गुना, क्योंकि 5 ही नंबर्स हैं, 65 का 5 गुना होता है 325, क्योंकि अगर 10 गुना करते तो 650 आता, 5 गुना कर रहे हैं मतलब आधा। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ देम इज 45, तो पहले 4 जो नंबर हैं उनका एवरेज 45 है, तो उनका सम बताइए ज़रा कितना होगा, 45 × 4 = 180, तो ये 4 नंबर्स का सम है 180 और ये है 5 नंबर्स का सम 325, तो 325 में से 180 निकाल लें तो हमें 5वां नंबर पता चल जाएगा, जो भी अननोन है। इसमें से अगर आप 200 कम करते तो 125 आंसर आता, 20 और बढ़ाइए ना, क्योंकि 180 कम कर रहे हैं, 145 हो जाएगा,
ऑप्शन बी। हाउ मच अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। आगे आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि सिंपल इंटरेस्ट का है। वैसे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब SI की इंस्टॉलमेंट पे आपको बात करनी है। विच विल बी फिक्स्ड फॉर द पेमेंट बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल लिखा हो चाहे ना लिखा हो एनुअल इंस्टॉलमेंट का ही सवाल आएगा अगर आता है तो। सिमिलर टू अ लोन विच इज पेबल आफ्टर 4 ईयर्स एट 4% ₹848, 848 रुपये का कर्ज चुकाना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कर्ज तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल मतलब जितना आपने उधर से लिया उतना तो आप देंगे ही, साथ में ब्याज भी शामिल करके देंगे। कर्ज लेने का मतलब ये होता है। आई होप सबको इतना समझ में आता होगा। तो मान लीजिए कि 100 रुपये हर साल आप उसको दे के आ जाते हैं, तो पहली बार जब आप 100 रुपये देने जाएंगे तो कोई आप पे इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, दूसरी बार लगेगा 4%, 100 का 4% 4। उसके बाद तीसरी बार जब आप 100 रुपये देने गए तो 4 का डबल 8% लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। उसी तरीके से चौथी बार जाएंगे तो 3 साल के लिए लगेगा, क्योंकि पहली साल तो आपको इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 4 का ट्रिपल 12 तो 112 हो जाएगा। आपको 4 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा भरनी नहीं थी, और अगर 100 रुपये मेरी इंस्टॉलमेंट है तो बताइए इनको जोड़ के कि कर्ज कितना रहा होगा। 400 12 8 20 4 24, तो 424 रुपये अगर कर्ज होता तो हम लोगों को हर साल 100 रुपये जाके सबमिट करने होते, लेकिन कर्ज तो 848 का है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए 848 है आपका डेटा। तो कर्ज है 848 का, यानी 424 का डबल, तो हर साल इंस्टॉलमेंट भी होगी डबल, 100 का डबल 200, यानी कि ऑप्शन बी। द परचेज प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लोथ्स इज ₹11, तो कितने मीटर कपड़ा है 10 मीटर, रुपए कितने हैं 11। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ्स, आपकी बार कपड़ा 11 मीटर का हो गया और प्राइस कितना हो गया 10। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्वांटिटी सेम कर लेते हैं हम लोग। 11 10 का एलसीएम होता है 110, तो 10 11 से टोटल 110 बना देते हैं, तो 10 से 110 बना सकते हैं इंटू 11, दोनों तरफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से नीचे भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 110 आइटम पहली बार भी थे, अभी भी हैं, लेकिन 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। 110 आइटम आप 121 रुपये में खरीद के लाते हैं जबकि 100 रुपये में बेच देते हैं, जाहिर सी बात है 21 रुपये का लॉस उठा रहे हैं आप। कितने पे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करिए, आपकी जेब से 121 रुपये लगे थे तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, इंटू 100 करेंगे तो ये 2100/121। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 17% आपका करेक्ट आंसर होगा, और चूंकि ये लॉस है तो 17% लॉस करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन बी। रामू स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड ₹30,000 इन इट, 30,000 रुपये से स्टार्ट करते हुए उसने अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाया। तो ये है रामू, कितने लगाए तो 30,000। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ श्यामू 2 ज्वाइंड हिम, श्यामू भी इस बिजनेस में शामिल हो जाता है, कुछ पैसे लगाता है, मान लीजिए ₹X लगाया। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो बंदा शुरू से लेकर आखिर तक है वो पूरे साल पैसा लगाएगा। शुरू से लेकर आखिर तक कौन है, रामू, तो उसने 12 महीने के लिए पैसे लगाए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जहाँ तक श्यामू का सवाल है तो वो 4 महीने बाद आया, पैसे कुल मिला के कितने टाइम के लिए लगने थे, 12 महीने के लिए, 4 महीने बाद आया तो जाहिर सी बात है सिर्फ 8 महीने के लिए उसने अपना पैसा लगाया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये रेशियो किसका हो जाएगा, प्रॉफिट का, यानी कि 30,000 × 12 / 8 × x, दैट इज 8x, ये प्रॉफिट का रेशियो है, जबकि सवाल के हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो 9/4 है। 4 2 2 ने 15,000 बार में काटा, 3 3 3 4 3 5 15 और ये 3 0, 5,000 × 4 कितना हो गया 20,000। तो 20,000 रुपये किसने लगाए थे, श्यामू ने लगाए थे, ऑप्शन नंबर ए। 15 लीटर मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो दिस, तो 15 लीटर कुल मिला के है, जिसमें से अगर शराब 1 लीटर है तो पानी 4 लीटर होगा, यही तो मतलब हुआ रेशियो का। तो 1 और 4 5 लीटर अगर कुल मिला के होगा तो ये हिसाब होगा। हमारे पास तो 15 लीटर है, मतलब 3 गुना,
तो इस रेशियो का 3 गुना करके आप ये पता कर लीजिए सबसे पहले कि शराब कितनी है, पानी कितना है। 3 1 3, 4 3 12, तो 3 लीटर अल्कोहल है आपके पास जबकि 12 लीटर पानी है। अब हुआ क्या, 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो 3 लीटर आपने पानी और डाल दिया, तो 15 लीटर मिक्सचर था, 15 का 18 बन गया। 3 लीटर ऐड करने के बाद क्या अल्कोहल ऐड होगी, जब अल्कोहल डाल ही नहीं रहे हैं तो ऐड कहाँ से होगी, वो 3 का 3 ही बनी रहेगी, जबकि पानी 12 से 15 हो जाएगा क्योंकि पानी ही तो डाला है आपने। अब आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, तो अल्कोहल पहले भी 3 लीटर अभी भी 3 लीटर डिवाइड बाई टोटल कौन सा लेना है, न्यू मिक्सचर लेना है जो कि 18 लीटर का है। दिस इज 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी, अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, एंड 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन कमिंग फ्रॉम दी अदर साइड, दूसरी तरफ से आ रही है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम। जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कुल मिला के डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाता है, लेंथ के सम के बराबर, L1 + L2। वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ट्रेन की डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटी हो जाती है ऐड, क्योंकि इनके मिलने में सपोर्ट मिलता है इनको, तो जब सपोर्ट मिलता है तो वेलोसिटी ऐड कर दो, जब आपको लगे कि अपोज मिल रहा है तो वेलोसिटी लेस कर दो, ये होता है सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे। उसकी वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ वी, लेकिन सबसे पहले इसकी तो लिख लें, 50 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वी, वी हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड है, यहाँ पे टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, L1 + L2 की जगह क्या रखेंगे, इनकी लेंथ का सम, 100 मीटर 120 मीटर यानी 220 मीटर, 50 × 5 = 250, 250/18, और ये है आपका V। लेकिन सबसे पहले 6 का पूरी तरीके से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, तो 250/18 × 6 + 6 × V, दैट इज 6V, 6 × 3 = 18, 250/3 जाएगा उधर तो हो जाएगा नेगेटिव, तो 6V = 220 - 250/3, 660 - 250, ये कितना हुआ, 410/3, 6V, तो V कितना हुआ, ये जो 6 है ये जाएगा उधर और आ जाएगा डिवाइड में, 410/3 × 1/6। अब यहाँ पे ये जो स्पीड आई मीटर पर सेकंड में है, हमें बतानी है किलोमीटर पर आर में, तो 18/5 से गुणा कर लो, 3 × 18 कैंसिल हो गया, 5 ने इसको 82 बार में काट दिया, तो 82 किलोमीटर पर आर यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 18 days, तो 9/18 का एलसीएम होता है 18, ये कुल मिला के टोटल काम हमने मान लिया। जहाँ तक ए का सवाल है, तो 9 दिन में 18 यूनिट करता है, तो हर एक दिन में 2 यूनिट करेगा, सिंपल है। उसी तरीके से बी जो है वो 18 यूनिट करने के लिए 18 दिन लेता है, तो हर एक दिन उसने जाहिर तौर सी बात है 1 यूनिट काम किया होगा। दे वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट दी वर्क 3 days बिफोर दी कम्प्लीशन, तो एक बात बताइए, काम पूरा होने के 3 दिन पहले अगर ए चला गया तो उन 3 दिनों तक काम किसने किया होगा, जाहिर सी बात है बी ने किया होगा, क्योंकि 2 ही लोग थे, एक चला गया तो दूसरा करेगा। 1 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है बी के द्वारा, ऐसे ऐसे 3 दिन है तो 3 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, कितनी यूनिट बच जाती है, 18 - 3 15 यूनिट बच जाती हैं। अब ये जो 15 यूनिट हैं ये करेगा कौन, ये दोनों साथ में मिलकर करेंगे, क्योंकि ए के जाने से पहले दोनों लोग साथ में ही तो कर रहे थे, तो इन 15 यूनिट को साथ में किया होगा। साथ में अगर आप बात करें तो 2 और 1 = 3 यूनिट काम हर दिन करते हैं, 15 यूनिट करने के लिए ऐसे ऐसे 5 दिन लगेंगे, तो 5 दिन इन्होंने साथ में काम किया, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि 3 दिन सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया, तो टोटल 8 दिन लगे, और आपसे पूछा भी यही है, ऑप्शन बी। द ट्रैफिक रिलेटेड लाइट, ट्रैफिक लाइट जो है एट 3 different इंटरसेक्शन चेंज देयर कलर आफ्टर 24, 36 and 54। मान लीजिए ये ट्रैफिक लाइट है, इसमें अभी ब्लू कलर या फिर कह लीजिए ग्रीन कलर शो हो रहा है, वैसे तो ये रेड है। अब ये जो कलर है ये 24 सेकंड तक जलेगा, उसके बाद ये कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरी ट्रैफिक लाइट है, उसमें ये कलर 36 सेकंड तक रहेगा फिर बदलेगा। उसी तरीके से तीसरी में
54 सेकंड तक रहेगा और फिर बदलेगा। आपको बताना है कि तीनों कलर एक साथ कब चेंज हुए, 10:15 पे सुबह के टाइम पे। अगला टाइम बताना है जहाँ पर यह घटना फिर से होगी। तो इसका आंसर कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ लोग कहेंगे 1 घंटे बाद, कुछ लोग कहेंगे 5 साल बाद, लेकिन हमें मिनिमम टाइम बताना है कि कम से कम इतने गैप के बाद जो है ऐसी घटना फिर से होगी जिसमें ये तीन के तीनों अपना कलर इकट्ठा चेंज करेंगे। तो मिनिमम चीज़ जब निकालनी होती है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो 24, 36 और 54 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। 24 होता है 8×3 यानी 2^3×3। मैं प्राइम फैक्टर की पावर ही लूँगा क्योंकि उससे एलसीएम लेना आसान होता है। 36 होता है 9×4 यानी 3^2×2। 54 होता है 27 का डबल यानी 3³×2। जब भी एलसीएम लिया जाता है तो प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर उठाई जाती है, वो भी पूरी उठा ली जाती है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो 2^3 सीधे उठा लिया। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो इसको उठा लिया। बस बाकी कोई है ही नहीं, तो बस ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 27×8 होता है 216। तो 216 सेकंड के बाद ये घटना फिर से होगी, लेकिन आपको तो समय बताना है कि कितने मिनट और कितने सेकंड बाद। तो कितने मिनट बताने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें 6 × 60 और ये 36 बार में गया, 2 × 18 = 2 × 5 = 5 को 18 से डिवाइड करेंगे, 3 × 15 चला जाएगा, 3 यहाँ बच जाएगा। तो 3 सही 3/5 मिनट में ये घटना फिर होगी। 216 सेकंड का मतलब यही हुआ। 3/5 मिनट का मतलब 3/5×60, 12 × 36। तो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद ये घटना फिर से होगी, टू बी एग्जैक्ट। तो 10:15 से 3 मिनट 36 सेकंड आगे चलिए ज़रा, तो 10:18 36 सेकंड पे ये घटना फिर से होगी। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट हो गया। इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x − 1/√x। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा। अब इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट के लेफ्ट हैंड साइड में 2 ढूंढते हैं, अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है पहले से, इतना देखने के बाद जो कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसके 2 फैक्टर निकालते हैं, और इस तरीके से निकालते हैं कि जब इन फैक्टर को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, जो कि प्लस के लेफ्ट में है। तो प्लस के लेफ्ट में कौन है, 3। 3 कैसे मिल सकता है, जब आप 2 को ब्रेक करेंगे 2×1, तो 2+1 जानते हैं 3 होता है। अब यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिखें, सिंपल है, जो फैक्टर आपने निकाले अलग अलग रूट का साइन लिख दो दोनों पे और ऐड कर दो, तो √2 + √1 यानी √2+1, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो बाकी सारी चीज़ें साइड में रख के √2+1 ध्यान रखें आप। 1/√2x क्या होगा, ये √2 − 1 होगा। कैसे मैंने कह दिया, 1/√2+1 को अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो यही तो पाएंगे, नीचे होता है स्क्वायर का डिफरेंस, √2² 2, 2 − 1 = 1। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, √2 − 1 सीधे हो जाएगा। तो √x + 1/√x क्या हो गया आपका, √2+1 + √2 − 1, −1 से −1 गया तो 2√2 यहाँ से करेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, आपको लेस करना है, यानी √2+1 − √2+1 ये करना है आपको। √2 से √2 गया, 2 यहाँ से फाइनल बचा। तो ज़रा देख लिया करिए पूछा क्या है, ऑप्शन बी यहाँ से फाइनल आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस। पेरीमीटर का क्या मतलब है, सारी साइड को ऐड करके जो आता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो सारी साइड को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17, 15, 32, 8, 40। तो ये जो रेशियो है यही आपकी एक्चुअल साइड भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 8, 15, 17, तो आप तुरंत समझ गए कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है। ये 90 हो गया, 90 के सामने हमेशा 17 लिखा जाता है, बाकी 8, 15 आप कहीं पे भी लिखिए। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × base × height, वही बताना भी है, 1/2 × 15। हाइट क्या होती है, जो कि बेस पे 90 बनाए, तो बेस पे 90 ये 15 ही तो बना रहा है,
तो यह हाइट हो गई और बेस क्या हो गया, 8 हो गया, 15 × 8 = 120, उसका आधा 60, ऑप्शन बी। इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद अ बेस दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द साइड दिस, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 12 × 12, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 × बेस × हाइट, बेस 12 पता है, हाइट बतानी है। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द एपेक्स, एपेक्स का मतलब कुछ नहीं, हाइट होता है। 12 से 12 गया, ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 12 का डबल 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 12 डिग्री ग्रेटर देन द एवरेज मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन है, पता नहीं वो पेंटागन है, हेक्सागन है, ट्राइंगल है कि क्या है, उसका जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो इन सब के एवरेज से 12 ज़्यादा होगा। अब ये लार्जेस्ट एंगल आखिर है क्या, इट इज़ इक्वल टू 4/3 ऑफ राइट एंगल, तो 4/3 × राइट एंगल मतलब 90, 330 तो 30 × 4 = 120, तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, 120 है। और ये 120 कब है, जब वो एवरेज से 12 ज़्यादा है, तो एवरेज पक्का 120 से 12 कम रहा होगा, जाहिर तौर सी बात है। तो 120 में से 12 गया तो 108 बच गया, ये आपकी एवरेज नंबर ऑफ साइड्स हैं, सॉरी एवरेज है सभी एंगल का जो भी वहाँ पे हैं, और ये इंटरनल एंगल है, तो एक्सटर्नल कैसे निकलेगा, 180 में से लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 72। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड होती है 360 बाई एक्सटर्नल एंगल, 360 को एक्सटर्नल से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ साइड आपको पता चल जाती हैं। एक्सटर्नल हमने 72 निकाला, 72 × 5 = 360, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 5, यानी कि ऑप्शन डी। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाई 50%, तो एक डेटा मैंने आपको याद कराया था कि अगर रेडियस 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है, तो एरिया 154 होता है। यहाँ पे हम लोग से कह रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस को 50% से कम कर दो, मतलब आधा कर दो, 44 का आधा करोगे तो 42 आएगा। अगर सर्कमफ्रेंस या रेडियस में से किसी को भी आधा करो तो एरिया को 1/4 करना पड़ता है, क्योंकि एरिया के अंदर रेडियस 2 बार आता है, पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हाफ कर रहे हो तो एरिया को आप 1/4 करोगे, 1/4 करने का मतलब क्या हुआ, 75% कम हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे मैंने डायरेक्टली क्यों कहा, क्योंकि 1/4 होना, 1/4 का मतलब होता है 25%, कोई चीज़ 25% हो गई इसका मतलब 75% से कम हो गई, कॉमन सेंस वाली बात है, तो ऑप्शन डी। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज दिस, तो ये एक वृत्ताकार आपका मैदान है, आप क्रिकेट स्टेडियम समझ सकते हैं लॉर्ड्स का फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके आगे हमें एक रोड भी बनानी है। अब ये जो है आपकी रेडियस इसकी 35 है, तो ये रेडियस इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 हो गई। अब इसके बाहर एक 7 मीटर पाथ बना हुआ है, तो सर्कल के बाहर जो पाथ बनेगा, चाहे वो दिया हो चाहे ना दिया हो, उसका हमेशा सर्कुलर ही मानेंगे, अदरवाइज वो पाथ बन ही नहीं पाएगा। तो आप कुछ ऐसे समझ के चलिए कि छोटा सर्कल क्रिकेट का स्टेडियम है, जबकि जो बड़ा सर्कल है वो क्या है, बड़े सर्कल से घिरा हुआ जो एरिया है वो दर्शक दीर्घ है, आप ऐसा कुछ इसमें समझ सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये थ्रू आउट 7 होगा। अब एक बात बताइए कि बड़े सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, मतलब ये लेंथ, तो 35 यहाँ से 7 यहाँ से, तो ये डिस्टेंस 42 हो जाएगी। अब हमें बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड। लेवलिंग द रोड आप ऐसे समझिए कि दर्शक दीर्घाओं में हमें सीटें लगानी है, तो सीटें लगाने का खर्चा स्क्वायर मीटर पर डिपेंड करेगा, स्क्वायर मीटर मतलब इसका एरिया बताना है। तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को जब आप लेस करेंगे, तो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा, ऐसे ही तो पता लगेगा, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब बड़े सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर मतलब छोटे सर्कल की रेडियस, पाई मतलब 22/7, ये होता है आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मैंने अप्लाई कर दिया। आर प्लस आर यानी कि 42 और 35 = 77, और 42 − 35 = 7, ये हो गया आपका एरिया, 7 से 7 कट गया, तो 77 × 22 ये आपका एरिया बन गया।
अब हर एक स्क्वायर मीटर के लिए 4.5 रुपये लगते हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए कितने लगेंगे? 4.5 यानी 9/2 से गुणा कर दीजिए आप। 11 9 = 99 × 77, जितनी जल्दी आप बता सकेंगे उतनी जल्दी आंसर ले आएंगे आप। इसको कैलकुलेट ज़रा ध्यान से कीजिए, 99 होता है 100 - 1 × 77, यानी 7700 - 77 यानी 76 23, ऑप्शन बी। द पोर्शन ऑफ अ राइट एंगल सर्कुलर कोन इज वर्टिकल परपेंडिकुलर टू अ प्लेन बेस। जब भी एक सर्कुलर कोन बनाया जाता है, मतलब आप समझ लीजिए बर्थडे में पहनने वाली हैट, ऐसा कुछ हम बना रहे हैं, अगर इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे मैं परपेंडिकुलर डालूं, ये सर्कल है तो ये पूरी इसकी डायमीटर हो जाएगी। तो इसमें आप एक बात बताइए, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? और उससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है क्या? तो ये जिस पे मैं अभी कर्सर चला रहा हूँ, ये आपका राइट एंगल है, बिकॉज ये 90 है और एक राइट एंगल उसके पीछे है। इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा है, इसको मैं आपको एक डिफरेंट कलर से शो करके दिखा देता हूँ। तो ये जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये आपका पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हर एक साइड बराबर होगी इसकी, यानी ये 12 सेंटीमीटर, ए बी ए सी भी 12 सेंटीमीटर और ये पूरा बी सी भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब ये एक सर्कल है रेड वाला और ये उसकी रेडियस है और पूरी डायमीटर है। तो ये जो पॉइंट है इसको सपोज डी, तो बी डी बराबर 6, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 πr² h, और ये h कौन सी है? ये रेड वाली लाइन, मतलब ये कैसे निकालेंगे? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, चाहे आगे वाले चाहे पीछे वाले, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपका आ जाएगा ये जो AD है ये पता लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, सॉरी, यानी 12² - 6², दिस इज AD स्क्वायर, 144 - 36 यानी 108। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 108 हो जाएगा। अंडर रूट 108 का मतलब अंडर रूट 36 × 3 यानी कि 6√3। तो AD हमारा 6√3 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं फिर, 1/3 π वैसा ही रहेगा, आर स्क्वायर, आर का मतलब 6, उसका स्क्वायर 36। एच एच हमारा AD है, जो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, 6√3, 3 2 36 × 72, 72√3 × π, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये आपका फाइनल होगा। द रेशियो ऑफ द टू कोन्स, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू कोन्स, ये पक्का रेडियस का रेशियो होगा, हिंदी में देख सकते हैं लिखा हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो R1 R2 ये कितनी दे रखी हैं, 3:4। उसी तरीके से रेशियो ऑफ हाइट इज दिस, यानी H1:H2 बराबर 4/3। अगर पहले कोन की बात करें तो अगर उसकी रेडियस 3 है तो हाइट 4 है, यही तो मतलब हुआ। अगर दूसरे कोन की बात करें तो अगर उसकी रेडियस 4 है तो हाइट पक्का 3 होगी, ये है कहने का मतलब। वॉट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, V1/V2 बताइए। V1 होगा 1/3 π R1² H1, V2 होगा 1/3 π R2² H2, 1/3 π 1/3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। R1 है हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9, H1 है अपना 4, उसी तरीके से R2 है अपना 4, 4 का स्क्वायर 16, H2 है अपना 3, 4 4 = 3 3 = तो 3/4 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड एलिप्टिकल सिलेंडर। इससे पहले वाले टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एलिप्टिकल हो इसको इग्नोर करेंगे, इसको सर्कुलर मान के हम सॉल्व करेंगे। रेडियस और बेस को जोड़ के 37 है, मतलब R + H = 37, इक्वेशन नंबर 1। द इंटायर पेज ऑफ द सिलेंडर, इंग्लिश लिखने में यहाँ पे गलती है, ये टोटल सरफेस एरिया है, TSA दिया हुआ है,
1628। TSA वैसे होता क्या है, 2πr(h+r)। ये अपने पास है 1628। एच प्लस आर इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे, 37। तो 2πr(37) बराबर 1628। 37 का 4 गुना होता है 148, तो ये 14, ये 8। फिर से 37 का 4 गुना 148, तो 2πr बराबर 44, तो r बराबर 7। ये याद होना चाहिए, अगर सरकमफ्रेंस 44 तो रेडियस 7। रेडियस अपने पास आ गई, जब रेडियस 7 आ गई और रेडियस हाइट मिला के 37 है, तो हाइट पक्का 30 रही होगी। सिंपल है, r मालूम है, h मालूम है, अभी व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो निकाल लेंगे 1/3πr²h। पाई को 22/7 लेना है, क्योंकि ऑप्शन में पाई है नहीं और दिया भी नहीं है, अगर कुछ ना दिया हो तो 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 7×7, एच मतलब 30, 7 से 7 कट गया, 3 × 30। यहाँ पे गलती हो गई है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3πr²h नहीं होता, ये मैंने कौन का गलती से बता दिया। तो इस 1/3 को करेंगे इग्नोर और उसको 30 का 30 ही रहने देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30×7 = 210 × 22, यानी कि 420×11। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ये 4026, 4620 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ टू सिलेंड्रिकल वेसल्स फिल्ड विद वाटर आर 15 and 10 cm। दो अलग अलग सिलेंडर हैं और दो के दोनों पानी से भरे हुए हैं, ये पहला सिलेंडर और ये रहा आपका दूसरा सिलेंडर, एक की रेडियस 15 है और दूसरे की रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हाइट बता दी इन्होंने, पहले सिलेंडर की हाइट है 35 सेंटीमीटर और दूसरे की है सिर्फ 15 सेंटीमीटर, हालांकि मैंने इक्वल साइज़ के बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि दूसरा छोटा है। When the water of these utensils is turned into a new cylindrical vessel this centimeter high, एक 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक नया cylindrical vessel है, जो जाहिर सी बात है चौड़ा होगा इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों का पानी जब इसमें खाली हो रहा है तो जाहिर तौर सी बात है यहाँ पे ये चौड़ा होगा। चौड़ा कब होता है, जब रेडियस इसकी बड़ी होती है, ये आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। इसकी हाइट इन्होंने बता दी 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो अननोन है, इनफैक्ट पूछी भी आपसे वही है। यहाँ पे हम लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड। वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड ये कहता है कि एक 3D फिगर को पिघला के अगर आप दूसरा 3D फिगर बना रहे हैं, तो जो 3D फिगर पहले सॉरी जो वॉल्यूम पिघलाए जाने वाले 3D फिगर का होता है, रिजल्टेंट 3D फिगर का भी वही वॉल्यूम होता है। कन्वर्ट करते समय ये बात मान के चली जाती है कि कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ, जो पहले वॉल्यूम था वही अभी भी है। इन दोनों सिलेंडर का कुल मिला के वॉल्यूम क्या होगा, पाई r1²h1 + r2²h2। पाई फिलहाल बाहर रखेंगे, r1² 15² × 35 + 10² × 15, ये यहाँ से हमने इन दोनों की वॉल्यूम निकाली। अब यही वॉल्यूम हो जाएगी दूसरे वाले की भी, और दूसरे वाले की वॉल्यूम हमारे हिसाब से क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर मैंने कैपिटल आर बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस मान ली और उसकी एच हमें 15 बता रखी है, तो पाई से पाई कट गया। उसके बाद इतने पूरे में से अगर मैं 15 कॉमन ले लूं, तो 15×35 + 100×1 यही तो होगा। उसके बाद r²×15, 15 से 15 एक बार फिर से गया, आर स्क्वायर हो जाएगा 100 + 35×15, 35 को लिख सकते हैं 30 + 5×15, ये 450 + 75, 525 और 100 625, आर स्क्वायर बराबर 625, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो डी वाला। अ सेमी सर्कुलर कॉपर वेजल इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। जब भी थिकनेस की बात होती है तो आपका जो भी 3D फिगर है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही कंसिडर किया जाता है जिसका आपका
फिगर बना हुआ है, इसके अंदर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। इफ़ द इनर रेडियस ऑफ द वेजल इज दिस, इनर रेडियस का क्या मतलब होता है, उस गोले की रेडियस जो कि अंदर बन रहा है और इस पूरे गोले में पानी या फिर जो भी कंटेंट है वो भरा जा सकता है। तो जो कंटेंट को सिग्निफाई करती है वो आपकी इन रेडियस होती है। तो इन रेडियस हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस में इन रेडियस तो शामिल होती भी है, होती ही है मतलब, लेकिन थिकनेस भी शामिल होती है। 6 + 1.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आउटर रेडियस हो जाएगी। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। वॉट वॉल्यूम ऑफ कॉपर वॉज यूज टू मेक दी वेजल, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उतनी वॉल्यूम बताइए जितना यूज़ आपने किया उस बर्तन को बनाने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी है कंटेंट उसको हटा के कितना आएगा बताइए। तो सबसे पहले इंक्लूडिंग कंटेंट, मतलब अंदर जो कुछ भी है उसको मिला के वॉल्यूम जो भी है उसमें से कंटेंट का वॉल्यूम अगर आप लेस कर देंगे तो सिर्फ मटेरियल वॉल्यूम ही तो बचेगा, और हमें मटेरियल वॉल्यूम ही बतानी है। क्या किया हमने, इसके अंदर मान लीजिए आपने कॉफ़ी भर दी या फिर नींबू पानी भर दिया, तो नींबू पानी को मिला के जो इसका वॉल्यूम होगा उसमें से नींबू वॉल्यूम का नींबू पानी की वॉल्यूम का कंटेंट माइनस कर दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही तो बचेगा, यही तो होगा। यानी कि V2 - V1, बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को लेस करिए। और ये फिगर है कौन सा, अर्धगोलाकार, यहाँ सेमी सर्कुलर से कन्फ्यूज़ मत होइए, हम यहाँ पे हेमी स्फीयर की बात कर रहे हैं। हेमी स्फीयर अर्धगोला, अर्धगोले की वॉल्यूम वैसे क्या होती है, 2/3π R³ - r³। तो इसमें से कैपिटल आर और स्मॉल आर मैंने आपको बता दिया, कैपिटल आर मतलब बड़ी रेडियस 7.5, स्मॉल रेडियस मतलब स्मॉल आर, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। यहाँ पे 2/3 × π, पाई को वैसा ही रखेंगे लेकिन इस R³ - r³ को क्या लिख सकते हैं पता है, R - r × r² + r² + 2R (r). A³ - B³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपनी वैल्यूज को, आंसर निकाल लीजिए। दिस माइनस दिस यानी 1.5, लेकिन उससे अच्छा भी ऑप्शन अपने पास है। इस फॉर्मूले को ना अप्लाई करके एक टेक्निक सिखाता हूँ, उसके हिसाब से ये जल्दी हो जाएगा। कैपिटल R³ - r³ यही करना था ना, तो 2/3π, इसको लिखिए 7.5 × 7.5 × 7.5, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, एक आध स्टेप लिखने पड़ेंगे उसके बाद कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। -6 × 6 × 6, अगर आप 7.5 को देखें ध्यान से तो वो क्या होता है आखिर, 7.5 होता है 1.5 × 5, उसी तरीके से 6 क्या होता है 1.5 × 4, तो यहाँ पे अगर हम 1.5 कॉमन ले लें तो कैसा रहे, एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1.5 कॉमन ले लिया, लेकिन 1.5 सिर्फ एक बार कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी, 1.5 × 1.5 × 1.5 ये भी कॉमन लेना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि ये 3 एलिमेंट में ब्रेक हो रखा है, तो 3 बार कॉमन लेंगे तभी तो 1.5 अलग होगा पूरी तरीके से, अदरवाइज वो शामिल बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5³, और वहाँ पे क्या बच जाएगा, 4³, क्योंकि 1.5 × 5 होता है 125, जबकि 1.5 × 4 होता है आपका 6, तो वहाँ पे 5³ और यहाँ पे 4³, 2/3 × π × 1.5 होता है 3/2, 3/2, 3/2, 125 - 64 ये हो जाएगा 61, 1 2 से 2 कटा, 1 3 से 1 3 कटा, ऊपर है 9, 61 × 9 क्या होता है 549, क्योंकि 9 6 = 54 और 9 उधर ऐड हो जाएगा जाके 549 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 बाकी हैं 4, पाई की वैल्यू फाइनली मैं रखता हूँ 22/7,
टू टू ज़ा टू इलेवन ज़ा, ये 11 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान होता है, 5490 प्लस 549 9301, 6039, 6039 डिवाइड बाई 14, 14 से 6039 को डिवाइड जब आप करेंगे, चार बार में 56 जाएगा, ये चार और ये तीन, 14 3 42, तो शुरुआत में आपको चार और तीन चाहिए। चार और तीन एक साथ कहीं दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में से? यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अप्रॉक्स में बताना है, तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। द एरिया ऑफ थ्री साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम, परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम जैसा कुछ होता ही नहीं है, यह ट्रांसलेशनल एरर है। इसमें हम किसी क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं और उसके तीन फेसेस का एरिया अलग अलग दे रखा है। क्यूबॉइड मतलब आप समझिए माचिस की डिब्बी, उसकी जो तीन सरफेस हैं उनके अलग अलग एरियाज दे रखे हैं। तो मान लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई अपने को देती है 12, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसके बारे में अभी बताऊंगा। बी इंटू एच आप जानते हैं 20, लेट कर लीजिए। एच इंटू एल इसको 15 मान लीजिए। इक्वेशन 1, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, एल दो बार है तो एल स्क्वायर, इसी तरीके से बी स्क्वायर, उसी तरीके से एच स्क्वायर, 12 × 20 × 15। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि इतने का अंडर रूट तो आप करने जाएंगे नहीं, ब्रेक करिए जरा इसको। 12 होता है 4 3 20 होता है 4 5 15 होता है 3 5 ज़ा। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे LBH एक बार बचेगा, 4 2 बार है तो एक बार बचा दीजिए, 3 2 बार है तो एक बार, 5 2 बार है तो एक बार। तो LBH क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ गया? 4 3 12 5 60, और वही पूछा भी है, 60 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर डी। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस, अदर टू एडजेसेंट फेसेस हैविंग एरिया दिस एंड दिस। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। L इंटू बी मैंने मान लिया 80, B इंटू एच हमारा हो गया 72, H इंटू एल क्या हो गया? बाकी का 40। इक्वेशन 1, 2, 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा, 80 × 72 × 40। कैलकुलेशन की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो 80 है वो हो जाता है 8 × 10, ये जो 72 है ये हो जाता है 8 × 9, और ये जो 40 है वो हो जाता है 10 × 4। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से तो LBH बचेगा, सबको मालूम है, 8 2 बार है तो एक बार आया, 10 2 बार है तो एक बार आया। उसी तरीके से 9 का स्क्वायर रूट जानते हैं सभी लोग, 3 होता है, 4 का 2 होता है, 8 × 10 = 80 × 2 = 160 × 480 क्यूबिक मीटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज LBH को ही तो वॉल्यूम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इस टेस्ट के अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सामान्य बुद्धि परीक्षण या फिर रीजनिंग सेक्शन। पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, कंप्लीट करिए क्या होगा इसमें। अब ये जो 1 के बाद डॉट है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सीरीज की शुरुआत यहाँ से नहीं है, ध्यान रखिए। 4 16 36 100 144, कुछ फैमिलियर टाइप के टर्म्स हैं कि नहीं? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो पहले 2 का फिर 4 का फिर 6 का, तो यहाँ पक्का 8 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि 64 होता है, ऑप्शन सी। दूसरा भी सीरीज का है और ये सीरीज 0 से चालू हो रही है, तो 0 से 24 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 360 हुआ, तो 0 से 24 मतलब बहुत बड़ा गैप, मतलब कुछ ना कुछ ऐड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, जो भी है, 24 × 5 = 120 × 120 = 360, तो मतलब लगातार मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। और ऊपर से आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट डबल जैसा कुछ नहीं चल रहा, 24 का डबल 48 होना चाहिए था, लेकिन वो 120 है, डबल से कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पे डबल से कुछ ज़्यादा तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कॉमन फैक्टर भी मिलेंगे, मतलब इनका HCF कुछ ना कुछ आएगा 1 के अलावा, तो 360 का डबल से ज़्यादा जिसका HCF 120 के आसपास आ जाए वो है 840, ऑप्शन डी। 720 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एग्जैक्टली डबल है, जबकि पीछे कहीं कोई एग्जैक्टली डबल नहीं है, तो कई बार सीरीज कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाती हैं।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको बताना है कि इसके बाद अगले दो टर्म क्या होंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीरीज किस लॉजिक के तहत बनी है। तो z से x हुआ माइनस टू, x से v हुआ माइनस टू, v से t हुआ माइनस टू, t से r हुआ माइनस टू, r से p हुआ माइनस टू, और p से माइनस टू करेंगे, p मतलब 16 माइनस दो 14, 14 मतलब n, तो आखिरी में n आना चाहिए। कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन सी में। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये भी सीरीज का है, रॉन्ग नंबर बताइए सभी। इस सीरीज को यहाँ से चालू करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 14 से 24 कैसे बना सकते हैं, प्लस 10, 24 से 44 प्लस 20, 10 से 20 मतलब डबल, उसी तरीके से 44 से 84 मतलब 40 का गैप, 20 से 40 मतलब डबल, 84 से 164 मतलब 80 का गैप, मतलब 40 से डबल किया तो 80 आया, मतलब गैप आप लगातार बढ़ता हुआ लेंगे और जो दो सक्सेसिव गैप हैं उनके बीच में इंटू टू आना चाहिए। ये हमारा लॉजिक कुल मिला के बना। उसके बाद 164 के बाद कितने का गैप होना चाहिए बताइए जल्दी से। 80 का गैप था ना, तो 80 का डबल 160 का गैप होना चाहिए, 160 प्लस 164 हो जाता है 324, जबकि यहाँ पे 328 है, तो मिल गया भाई। यही 328 है जिसकी वजह से ये सीरीज हमारी गड़बड़ कर रही है, और वही आपका रॉन्ग नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो 324 आना चाहिए था। पांच नंबर बात करते हैं, जिस तरीके से 24 का संबंध 126 के साथ है तो 48 का किसके साथ होगा। एनालॉगी का क्वेश्चन है, वो भी नंबर एनालॉगी का। 24 क्या होता है, 5 स्क्वायर माइनस 1, 126 क्या होता है, 5 क्यूब माइनस 1, मतलब रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड में एन स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि उधर क्या है, एन क्यूब माइनस 1। ऐसा कुछ लॉजिक क्या हमको इधर मिलेगा क्या? 48 होता है 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर 49 होता है, इसलिए तो यहाँ पक्का 7 क्यूब माइनस 1 रहा होगा, सॉरी प्लस 1 है, एन क्यूब स्क्वायर माइनस 1, एन क्यूब प्लस 1 का लॉजिक होगा। यहाँ पे पक्का 7 क्यूब प्लस 1 यानी कि 343 एक 344 होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट अ डिफरेंट वर्ड, फिर से ऑड वन आउट बताना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिसीविंग एक्सचेंजिंग, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इसका मतलब है किसी से कोई चीज़ लेना, मतलब आपके पास कोई चीज़ चल के आ रही है, आपको ऑफर किया जा रहा है। रिसीविंग का भी मतलब यही होता है, लेकिन एक्सचेंज का मतलब कुछ दूसरा होता है। आप रिसीव तो कर रहे हैं, चीज़ें आपके पास चल के तो आ रही हैं, लेकिन आप बदले में भी तो कुछ दे रहे हैं ना, चीज़ें आपके पास से जा भी रही हैं। तो बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जबकि एक्सचेंजिंग बताता है जा भी रही हैं, तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द हाइट ऑफ अ मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री इज सेम, कोई आम का पेड़ है और कोई नारियल का पेड़ है, दोनों की हाइट बराबर है। सबसे पहले आप देख लेंगे पूछा क्या है, विच ट्री इज द टॉलेस्ट, कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि सबसे लंबा होगा, तो आपको क्या बताना है, सबसे लंबा। तो आप ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते ना जो किसी ना किसी से छोटा हो, क्योंकि जो किसी ना किसी से छोटा होगा वो सबसे लंबा नहीं हो सकता है, इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। बनाना ट्री इज स्मॉलर, तो बनाना देखिए छोटा हो गया ना, तो वो आपका आंसर नहीं होगा, बनाना ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ग्वावा ट्री इज स्मॉलर, तो ग्वावा भी ऑप्शन नहीं होगा, ग्वावा फिलहाल है नहीं, अदरवाइज उसको भी काट देते। बट टॉलर देन मैंगो ट्री, इसका मतलब आम के पेड़ से कोई ना कोई बड़ा निकल गया, किसी से बड़ा नहीं, किसी से बड़ा निकल जाने का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ आपकी छोटी है, और जो छोटी है वो सबसे बड़ी नहीं हो सकती, तो मैंगो भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऊपर चलते हैं, मैंगो और कोकोनट की हाइट सेम है, तो जब मैंगो सबसे बड़ा नहीं हुआ तो कोकोनट क्या चीज़ है, वो भी सबसे बड़ा नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा ए, पाम, बेर का पेड़, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है, तो इसमें डायरेक्ट आप रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं पहले अल्फ़ाबेट का पहले वाले के साथ, तो ए से सी प्लस 2, उसके बाद सी से जी, सी 3 जी 7 तो प्लस 4, उसके बाद डी 4 तो ये 10, जे 10 तो ये प्लस 6, उसके बाद एफ 6 तो ये 14 प्लस 8, तो जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट है न्यूमेरिकल इक्वलेंट लिखिए, उसके बाद प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8 करिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बी से प्लस 2 मतलब डी, ई से प्लस 4
पाँच चार नौ, नौ मतलब आई। उसके बाद एच से प्लस सिक्स, आठ से चौदह तो डी आई एन। उसके बाद आई से प्लस एट, नौ आठ सत्रह, सत्रह मतलब क्यू तो डी आई एन क्यू, ऑप्शन नंबर बी। सॉलिड इज रिटन एज दिस, तो ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसमें बताइए कितने अल्फ़ाबेट हैं, तीन और दो पाँच, और जो इसका कोड है उसके कितने अल्फ़ाबेट हैं गिन के बताइए, तीन तीन छः और चार दस। यानी हर एक अल्फ़ाबेट का रिलेशन अगले दो अल्फ़ाबेट के साथ है, यानी कि ये जो एस है इसका रिलेशन डब्ल्यू के साथ भी है और पी के साथ भी है। एस होता है 19, डब्ल्यू 23, पी 16। तो एस के बाद जो सबसे पहला टर्म लिखा जाएगा वो प्लस 4 करके लिखा जाएगा, उसके बाद इसके जस्ट अगले वाला माइनस 3 करके लिखा जाएगा, और ऐसा देखिएगा आप सभी के साथ होता हुआ दिखेगा। अब जैसे ये ओ है तो ओ का रिलेशन पी और एस, सॉरी एस और एल दोनों के साथ है। ओ 15 और ये 19, मतलब हुआ ना प्लस 4, उसके बाद एल 12 तो हुआ ना माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके भी बारे में आपसे पूछ रहे हैं उसमें आप क्या करिए कि सबसे पहले प्लस 4 करके लिखिए, उसके बाद माइनस 4 करके दो अल्फ़ाबेट बताइए। तो जैसे ऑप्शन ए है ईगर, तो ई के बाद प्लस 4 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 4 9, लेकिन यहाँ पे तो आई है नहीं, यहाँ पे तो ए है, तो ईगर ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद फिर देखिए आपका वेफर होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। W मतलब 23, 23 4 27, 27 को एक भी कहते हैं, एक मतलब A, तो A तो भाई आ गया। उसके बाद 23 माइनस 3 यानी 20, 20 मतलब T, ये भी आ गया। तो इसका मतलब अभी तक गाड़ी एकदम सही ट्रैक पे है, वेफर की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये जो A है, A से प्लस 4 करेंगे तो E पे पाएंगे आप, क्योंकि A 1 E 5 होता है, तो प्लस 4 करेंगे तो E आना चाहिए और E आ रहा है। उसके बाद A से आप करेंगे माइनस 3, माइनस 1 करेंगे तो Z पे, माइनस 2 Y पे और माइनस 3 X पे, तो A T E X ये आ गया। तो यहाँ पे हमने इतना टाइम फालतू का लगा दिया। अगर आप B C और D को देखें तो W A तो सब में कॉमन है ना, तो यहाँ के जो शुरुआती चार लेटर हैं ना A T E X, इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम F को चेक करते हैं, फिर ये जो F है ये अगर हमें X Q देगा तो ही ये सिलेक्ट होगा, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। एक ऑप्शन जो A है वो पहले ही गलत कर चुके हैं हम लोग। F से अगर हम प्लस 4 करेंगे तो 6 4 10 होता है, 10 मतलब J होता है, तो J कहाँ है, ये तो X है, रॉन्ग हो गया। उसके बाद G, जी मतलब 7, 7 4 11, 11 मतलब के होना चाहिए, गलत है, तो तीन ऑप्शन गलत। तो यहाँ पे वाटर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप मैच करा लीजिएगा यही आएगा क्योंकि तीन ऑप्शन हटा चुके हैं। अब पर्सन वॉक्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, मान लीजिए यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ गया, और कितना गया, कुछ डिस्टेंस गया, मान लीजिए इतना ही गया। टर्न्स राइट एट पॉइंट बी, मतलब ये जो बी पॉइंट है ये वाला, यहाँ से राइट मारता है, राइट मतलब ऐसे जाके नीचे, और राइट कितना जाता है उतना ही डिस्टेंस जाता है जितना पहले गया, तो ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दिस इज पॉइंट बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, ऐसे जा रहे हैं आप, लेफ्ट मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप जाएंगे इस तरफ, कितना डिस्टेंस जाएंगे, सेम डिस्टेंस फिर से जाएंगे, तो ये डिस्टेंस भी एक्स हो गया। लाइन के नीचे या फिर अगल बगल जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो डिस्टेंस है एक्स एक्स। इवेंचुअली ही टर्न्स लेफ्ट एंड स्टॉप एट पॉइंट सी वॉकिंग द सेम डिस्टेंस, ऐसे जाके फिर से लेफ्ट मारा और पॉइंट सी पे रुक गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो जितना हर बार ट्रैवल कर रहा था उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, तो ये भी डिस्टेंस एक्स हो गया, दिस इज पॉइंट सी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, तो ए सी के बीच में कितने का गैप है, ये लाइन और ये डॉटेड लाइन पैरेलल है तो ये भी एक्स होगा, ए सी के बीच में डिस्टेंस है 2x। यहाँ पे आपको ये बताना है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, जो कि हमारा 2x हो चुका है,
क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो जो डिस्टेंस नीचे एक्स है वही डिस्टेंस ऊपर एक्स होगा, तो एसी हमारा 2x है। हाउ मैनी टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये जो 2x है ए बी डिस्टेंस के कितना गुना है, ए बी हमारा इतना ही तो है, ये एक्स, तो ये एक्स है, 2x x का कितना गुना होता है, तो दो गुना होता है, बिकॉज x से अगर आप 2x जाएंगे तो इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट आंसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी 22, किसको सॉल्व करने के बाद 22 आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 16 प्लस 12 माइनस 8 गुणे 3 बटे 15, तो ये 1/5 आ जाएगा, लेकिन ये 5 8 को नहीं काट पाएगा, तो आंसर पॉइंट में आना चाहिए, जबकि सवाल में बोला गया है कि 22 आ रहा है, तो गलत है। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम लोग देखेंगे, वहाँ पे 13/15 बोल दिया, फिर से पॉइंट में आएगा, ये भी गलत। तीसरे ऑप्शन में दिया है 16 × 12/8 प्लस 13 − 15, 8 × 2 = 12 × 2 = 24, 24 × 13 = 37, 37 − 15 = 22, आ गया ऑप्शन नंबर सी। राहुल वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स दी वेस्ट, मान लीजिए इस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, सबसे पहले 2 किलोमीटर गया वेस्ट में, अब यहाँ पे पहुँचा, देन ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ, ऊपर गया और 5 किलोमीटर गया, देन ही टर्न्स वेस्ट, फिर से इधर आया और 3 किलोमीटर गया, ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 7 किलोमीटर, फिर से ऊपर गया 7 किलोमीटर गया, अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं बोला गया है। विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, अगर आप इसको इनिशियल डायरेक्शन माने जहाँ से वो चला था और जहाँ पहुँच गया उसको फाइनल डायरेक्शन माने, तो फाइनल जो डायरेक्शन है वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या है, तो इनिशियल से अगर आप यहाँ देखें तो कहाँ देख रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर हम लोग पहले बनाएंगे, 7 प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन, ईच प्लेयर मस्ट कम्पीट ऑल दी अदर प्लेयर्स टू बिकम दी विनर, सबको एक दूसरे के साथ मैच खेलना है, कितने मैच खेले जाएंगे बताना है, तो कितने मैच खेले जाएंगे या फिर कितनी बार हाथ मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और सबको करने की एक ही टेक्निक होती है, एन सी टू, 7C2, अब ये C2 कैसे सॉल्व होगा, 7 × 6 और नीचे 2 है तो 1 × 2, 2 × 3 = 7 = 21 आंसर आ जाएगा, इतने ही मैच खेले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए और साइन आप ये वाले नहीं लेंगे, ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर है 3, 15 और 11, ब्रैकेट के बाहर है 8 और 6, 3, 15 के बीच में माइनस का साइन है जिसका मतलब है डिवाइड बाय, उसके बाद 15, 11 के बीच में डिवाइड का साइन है जिसका मतलब है प्लस, उसके बाद में ब्रैकेट के तुरंत बाहर है इनटू, इनटू का मतलब है ऊपर, यहाँ पे एक गलती हो गई, 3, 15 के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन था, माइनस का मतलब है इनटू, दिस शुड बी इनटू, उसके बाद ये जो एक्चुअल इनटू है मतलब ब्रैकेट के जस्ट बाद ये जो है इसका क्या मतलब है, डिवाइड बाई, तो ये होगा डिवाइड बाय, 8 और 6 के बीच में प्लस है तो उसका मतलब होगा माइनस। अब सॉल्व करिए इसको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 × 3 = 45, 45 × 11 = 56, 56/8 -6, 8 × 7 = 56, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये देखिए विन डायग्राम बनाइए, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वायलिनिस्ट, तो जितने भी सितार बजाने वाले होते हैं वायलिनिस्ट वो सब के सब इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सितारे के इंस्ट्रूमेंट भी तो होता है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं वो संगीतकार की कैटेगरी में आ जाते हैं, इस टाइप का कुछ बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर बनाते हैं पहले, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ई बहन है किसकी, बी की, अब बी का जेंडर डिसाइड मत करिए क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो भाई की बहन है या फिर बहन की बहन है। ए इज़ द फादर ऑफ सी, फिलहाल सी का पता नहीं है, बी इज़ द सन ऑफ सी, बी किसका बेटा है, तो सी का, तो सी इसका फादर हो गया, इसको हमने ऊपर बना दिया, फादर मैंने वैसे रॉन्ग बोला है, ये मदर है कि फादर है फिलहाल पता नहीं है, लेकिन एक बात पता चल गई कि बी बेटा है, बेटा है तो मेल है तो प्लस, उसके बाद ए इज़ द फादर ऑफ सी, तो ए जो है वो सी का भी फादर है और ए फादर है इसलिए प्लस, तो बस इतना ही बना पाएंगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है उसके हिसाब से। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, ये जो ए है
वो ई का कौन है, तो यहाँ पे दो जनरेशन का गैप है, इसका मतलब ए जो है उसकी कोई बेटी या फिर बेटा है जिसको सी कहते हैं, और सी की बेटी कौन है, तो ई है, तो ये नाना या फिर दादा लगेगा। तो यहाँ पे दादा दिया हुआ है ना, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैसे इसमें देना चाहिए था दादा या फिर नाना, वैसे यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, तो इसे लॉजिज्म का क्वेश्चन आ गया, जितने भी सांप हैं वो ट्री के अंदर आ चुके हैं। ऑल ट्रीज आर रोड, तो जितने भी पेड़ हैं वो रोड के अंदर आ चुके हैं। ऑल रोड्स आर माउंटेन, जितने माउंटेन हैं वो सॉरी जितनी रोड हैं वो माउंटेन के अंदर आ चुकी हैं। उसके बाद पहला कंक्लूजन, सम माउंटेन्स आर स्नेक, तो क्या माउंटेन का कुछ पार्ट स्नेक में आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा स्नेक ही माउंटेन में घुसा हुआ है। जिस पार्ट को मैं अभी अभी ये शेड कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा माउंटेन में ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब माउंटेन का कुछ पार्ट इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। पहला सही है एकदम। ऑल रोड्स आर स्नेक, तो जितनी भी सड़कें हैं वो सांप के अंदर आ चुकी हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सड़कों का जो गोला है वो बहुत बड़ा है और वो छोटे गोले के अंदर कम्प्लीटली नहीं आ सकता, इस वजह से ये गलत। सम माउंटेन्स आर ट्रीज, तो क्या माउंटेन का कुछ पार्ट ट्री में आ रहा है क्या, तो ये सबसे बड़ा सर्कल माउंटेन ही तो है, और ये ट्री ये बीच वाला सर्कल है, ये छोटा वाला, तो ये छोटा वाला पूरा बड़े वाले में घुसा पड़ा है, तो इसका मतलब बड़े वाले का इतना पार्ट जिसको मैं अभी अभी शेड कर रहा हूँ इसने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला तीसरा सही, बाकी सब गलत। तो वन एंड थ्री कहीं नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आपको लिखना पड़ेगा वन एंड थ्री आर करेक्ट, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा। सम हैंड्स आर संग, अब यहाँ पे हिंदी से मैच करा लेते हैं, ये संग का कुछ समझ में नहीं आया। कुछ मुर्गी गाय हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर ने गाय समझ लिया इसलिए उसने संग बोल दिया। यहाँ पे क्या होगा, सम हैंड्स आर काउस, तो ये है आपकी हैन और इसका कुछ पार्ट किस में आ गया, काऊ में आ गया, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई है। ऑल काउस आर हॉर्सेस, तो ये जितनी भी गाय हैं वो सब के सब घोड़े की कैटेगरी में आ चुकी हैं, तो बस हमने फिगर ये बना लिया। सम हॉर्सेस आर चिकन्स, तो यहाँ पे चिकन नहीं है, यहाँ पे पहला निष्कर्ष है कुछ घोड़े मुर्गी हैं क्या, तो ये पूरा बड़ा सर्कल आपका हॉर्स है जिसमें से जिसको मैंने शेड किया ये हैन में आ तो रहा है एकदम, तो इसका मतलब ये बात एकदम सही है। सम हॉर्सेस आर काउस, क्या हॉर्सेस का कुछ पार्ट काऊ में आ रहा है क्या, तो ये पूरा का पूरा हॉर्सेस है और ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी अभी शेड कर रहा हूँ ये आपका बिल्कुल हॉर्सेस में आ रहा है, इतना रीजन काऊ ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसका, तो इसका मतलब ये भी बात एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा, दो के दोनों सही हैं, एक भी गलत नहीं है, बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो इस पजल को आपको क्रैक करना पड़ेगा, जो आपके सामने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है पजल उसी में छुपी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पजल आखिर है किस बारे में। सेवन पीपल ए से लेकर जी तक आर सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ राउंड टेबल सेंटर फेसिंग आउटवर्ड्स, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक सर्कुलर अरेंजमेंट का केस बनाएंगे, एक हम बनाएंगे सर्कल और उसमें सबसे पहले सात लोगों की जगह बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमने कितने लोग बना लिए, सात लोग हमने बना लिए। उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते हैं, सात लोग जो ये हैं इनमें से कुछ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इनकी कुर्सी कुछ इस तरीके से है कि ये टेबल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुर्सी एकदम बाहर की ओर फेस कर रही है, कुर्सी का जो बैक रेस्ट होता है वो टच कर रहा है इसके सरकमफ्रेंस से, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं। तो पजल इसीलिए तो बनेगी क्योंकि हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, पूरा डेटा सेट करना पड़ेगा कि कितने लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कितने उससे अवे देख रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें। और ये जो सातों लोग हैं अलग अलग शहर से आते हैं, कोई हैदराबाद से आता है, कोई बेंगलोर से, कोई गुजरात स्टेट से आता है, कोई चेन्नई से आता है। सबसे पहला स्टेटमेंट हिंदी में पढ़ते हैं उससे आसानी से थोड़ा समझ में आएगा, डी जो है वो पुणे से नहीं आता, तो डी के ऊपर क्रॉस कर दिया और पुणे लिख दिया, इसका मतलब ये है कि डी पुणे से नहीं आ रहा। उसके बाद आगे सी जो है
वो जी से दाहिनी तरफ तीसरे क्रम पे बैठा है, तो जी के रेफरेंस में सी की बात करनी है तो सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि जी कहाँ की ओर देख रहा है। तो आगे लिखा हुआ है जी जो है वो केंद्र की तरफ देख रहा है, मतलब सेंटर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे मैंने जी बना दिया। अब जी की राइट हैंड साइड क्या है, ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर आप आगे चलें इसमें तो आप देखेंगे डी और एफ के बीच में केवल एक लोग बैठा हुआ है, तो कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। इधर मान लीजिए डी है, उधर एफ है, और ये हमने एक का गैप दे दिया इनके बीच में। आगे अगर आप चलें तो दिया हुआ है कि एफ और डी दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो मैं इनके सेंटर की तरफ फेस कर देता हूँ ऐसे। उसके बाद आगे सी जो है, एक सी है और दूसरा वो बंदा है जो कि पुणे से आता है, ये सी और ये पुणे वाला व्यक्ति, इनके बीच में एक का गैप है, ये यहाँ पे कहने का सेंस है। तो सी को तो हम पहले ही अरेंज कर चुके हैं, ये सी है और ये मान लीजिए इधर पुणे से संबंधित व्यक्ति, तो एक का गैप हमने यहाँ पे ये दे दिया। इसके बाद आगे देखते हैं सी के तुरंत पास वाला व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहा है, तो सी के एकदम पड़ोस में एक तो एफ है जो कि पहले से सेंटर की तरफ देख रहा है, और एक ये है, ये देखेगा बाहर की ओर, तो ये मैंने इसको बाहर की ओर फेस करा दिया। थोड़ा सा अगर आप आगे चलें तो ए जो है वो गुजरात से संबंधित है और ए सेंटर की तरफ देख भी रहा है, तो ए के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता लगी, लेकिन अभी इसको अप्लाई कर नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि ए को हमने अरेंज ही नहीं किया है। जो बंदा बेंगलोर से आता है वो ई के एकदम बाएं बैठा हुआ है, इससे भी कुछ खास मतलब नहीं निकला। गुजरात और मुंबई से संबंधित व्यक्तियों के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो गुजरात वाला बंदा कौन है, ए है। एक बार अगर हमने ए को अरेंज कर दिया ना तो मुंबई वाला अपने आप अरेंज हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में दो का गैप है। तो गुजरात वाला जो बंदा है ए, एक तो वो सेंटर की तरफ देख रहा है और ये आता है गुजरात से, ये दो का गैप हमने दे दिया, और ये बंदा है मुंबई वाला। दो का गैप मैंने इधर से क्यों दिया, इधर से क्यों नहीं दिया, इधर से देंगे तो पुणे वाला बंदा आ जाएगा, इस वजह से उधर से गैप दिया। सी जो है वो ई की तरह मुँह करके बैठा है, अभी ई अरेंज तो किया नहीं है तो फिलहाल पता नहीं। दिल्ली से संबंधित व्यक्ति, मतलब जो बंदा दिल्ली से आता है वो चेन्नई वाले बंदे के एकदम बाएं बैठा है, तो देखते हैं कहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। ये तो ये दोनों बंदे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, डी और जी, तो इसको हम मान लेते हैं चेन्नई वाला। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये वाली, तो ये दिल्ली वाला हो गया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऊपर, सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए ऊपर फिर से चलते हैं, जो छूट गई है इंस्ट्रक्शन उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा बेंगलोर से आता है वो ई के एकदम बाएं बैठा है, तो हमें ई को अरेंज करने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो जो पुणे वाला बंदा है हम उसको ई नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके मान लीजिए ऐसे बैठेगा तो उसके लेफ्ट में तो चेन्नई वाला आ जाएगा, जबकि लाना कौन वाला बंदा है, तो बेंगलोर वाला। तो इसमें ई को यहाँ नहीं अरेंज कर सकते, तो ई की पोजीशन यही बच जाएगी। ई के लेफ्ट में कौन आ रहा है, आप खुद को ऐसे इमेजिन करिए, आप ऐसे देख रहे हैं, आपके लेफ्ट में ये वाली साइड है, तो इसके फलस्वरूप हमने सी को बता दिया कि वो बेंगलोर से आता है क्योंकि और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो ये भी अरेंज हो गया। अब ये जो बाकी का बचा हुआ बंदा है बी, वो इधर आ जाएगा। उसके बाद सारी प्लेसेस भी फिल हो गई हैं, एक प्लेस बची है हैदराबाद, वो हमने एफ को सौंप दी क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, सब फिल हो चुके हैं। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, बी कहाँ से आ रहा है, तो बी जो है वो आपका पुणे से आ रहा है। पुणे कहाँ पे, ऑप्शन सी में। उसके बाद है 15 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन रिलेटेड टू सी एंड पुणे, मतलब सी और पुणे वाले बंदे के बीच में कौन बैठा है। तो आप खुद ही देख लीजिए, एक तो सी है, एक तो पुणे वाला बंदा।
तो ये है आपका सी और ये है पुणे वाला, तो इनके बीच में एक का गैप है ई। अगर ऑप्शन में ई दिया है तो ई टिक करेंगे, अदरवाइज जो बंदा मुंबई से आ रहा है उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पर्सन फ्रॉम मुंबई, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू चेन्नई एंड ए, तो ए और चेन्नई में कितने का गैप है और चालू कहाँ से करना है, काउंट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए, ए के राइट में आगे बढ़ना है और कहाँ तक जाना है, चेन्नई की तरफ। तो ये ए है, इधर देख रहा है तो इसकी राइट हैंड साइड ये होगी, चेन्नई से जाएंगे तो एक का गैप मिलेगा, तो कितने पर्सन बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एक ही बैठा है, डी जो कि दिल्ली से आता है। तो यहाँ पे कितने का गैप है, एक का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अमंग द पीपल हु बिलोंग्स टू मुंबई एंड गुजरात, तो मुंबई और गुजरात वाले बंदों के बीच में कितने का गैप है, दो का ही गैप है, लेकिन कौन कौन बैठा है एग्जैक्टली बताइए। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मुंबई के लेफ्ट से, तो मुंबई के लेफ्ट से चालू करना है और जाना कहाँ तक है, गुजरात तक, मुंबई के लेफ्ट से। तो ये है मुंबई और ये देख रहा है इधर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये है, ये रही इसकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा गुजरात, कितने का गैप, दो का, कौन कौन बैठे हैं, सी और एफ, तो सी और एफ यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। सी और एफ तो नहीं है ऑप्शन में, तो सी और एफ ये था एक्चुअली ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सी एफ होना था। उसके बाद और एक देखिए, द पोजिशन ऑफ थ्री ऑफ द फॉलोइंग इज सेम अकॉर्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट, जो भी हमने फिगर बनाया है उसमें से ऑड वन आउट बताइए, दिल्ली, गुजरात, पुणे और बेंगलोर। तो यहाँ पे दिल्ली, गुजरात, पुणे और बेंगलोर, चार लोगों की हमें बात करनी है, किनकी किनकी, दिल्ली, गुजरात और पुणे और बेंगलोर। तो दिल्ली वाला बंदा सेंटर की तरफ देख रहा है, गुजरात वाला भी सेंटर की तरफ देख रहा है, तो दिल्ली, गुजरात, पुणे वाला किधर देख रहा है, वो पता नहीं किधर देख रहा है, उसकी डायरेक्शन हम फिक्स नहीं कर सके थे। तो बाकी सबकी डायरेक्शन फिक्स है लेकिन पुणे वाले की फिक्स नहीं है, इस वजह से पुणे वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी।